महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में एक बार फिर हाथी धान खरीदी केंद्र में पहुंच गए हैं। यहां हाथी ने छक कर अपनी भूख मिटाई और आगे बढ़ गया। इस घटना में कोई जनहानि की खबर नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को विशाल काय हाथी लहंगर के धान खरीदी केंद्र पहुंचा। केंद्र पहुंचकर हाथी ने फड़ में रखे धान को खाकर अपनी भूख मिटाई और बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से निकल पड़ा। करीब सप्ताह भर पूर्व वन विकास निगम के क्षेत्र बड़गांव सहकारी समिति में भी धान खरीदी केंद्र में पहुंचकर इस हाथी ने अपनी भूख मिटाई थी। बहरहाल घटना की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर सहकारी समिति प्रबंधक और अफसर दोनों खरीदी केंद्रों में हाथी द्वारा पहुंचाए गए नुकसान का आकलन लगाने में जुट गए हैं। धान खरीदी केंद्र लहंगर में अभी एक हाथी 3 बजे घुसकर धान को खाते हुए लेकिन बाहर निकाले हिम्मत नहीं हमरों में भाई। वन विभाग के मत दुनिया दुनिया में रहते। वहीं दूसरी ओर सप्ताह भर पूर्व 3 हाथी सिरपुर के महानदी तट पर स्थित कुछ घरों में हाथी घुसकर खासकर केले और आम के पेड़ भी तोड़कर खा गए थे। वन विभाग के रोजाना नए प्रयोग के बाद भी हाथियों द्वारा अपने भोजन को लेकर भटकना पड़ रहा है। विगत 2 साल पहले बार नवापारा और बार क्षेत्र से लगे जंगलों में हाथियों के भोजन बनने वाले फलदार पेड़ पौधे लगाने के लिए करोड़ों का बजट सरकार ने खर्च किया। लगातार कट रहे जंगलों के कारण हाथियों और अन्य वन्य प्राणियों को अपना पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा अब हाथी जहां भी खाने की सामग्री देखता है वहीं जाकर अपना पेट भर रहा है। परंतु इनमें सबसे विशेष बात यह है कि हाथी मात्र अपना पेट भरकर वापस चले जाते हैं। ये हाथी हमला तभी कर रहे हैं जब इनके भोजन के बीच कोई बाधा बनकर सामने आ रहा है। देश टीवी के लिए महासमुंद से रजिंदर खनुजा की रिपोर्ट।